नमस्कार दोस्त, सलमान डॉग एंटरटेनमेंट पर आप सभी का फिर से का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान के विषय में हम आपको देंगे 5 अनोखी जानकारी। जी हाँ फ्रेंड्स, बने रहे हमारे साथ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नंबर वन, फिल्म का सबसे सुपर हिट गाना नहीं लगता, जिसे गाया है पलक मुचाल तथा कमाल खान ने और जिसका संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने। फिल्म की पूरी टीम इस गाने को फिल्म में नहीं रखना चाहते थे, लेकिन ये सॉन्ग सलमान को बेहद पसंद था, इसलिए इस गाने को फिल्म में रखा गया और यही गाना फिल्म का सिग्नेचर सॉन्ग बन गया और गाने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। नंबर टू, नहीं लगता सॉन्ग के सिंगर पलक मुचाल को इस फिल्म में सलमान खान ने एक्टिंग करने का भी ऑफर दिया था, लेकिन पलक ने एक्टिंग करने से मना कर दिया। उसने सही किया या गलत, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नंबर बिग बॉस में सिड की नाज और चंडीगढ़ की कैटरीना यानी शहनाज गिल इस फिल्म से बतौर एक्टर डेब्यू कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शहनाज इसका कितना फायदा उठा पाती है और बॉलीवुड में किस मकाम को हासिल कर पाती है। नंबर फोर, फिल्म की एक और सपोर्टिंग कलाकार पलक तिवारी जानी मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी की बेटी है। पलक ने इससे पूर्व द सैफ्रन चैप्टर मूवी में काम किया है। देखा जाए तो पलक के करियर के लिए यही एक फिल्म बड़ा ब्रेक है। नंबर फाइव, फिल्म के ट्रेलर में कहीं भी राइटर का नाम नहीं है। टीम का कहना है कि फिल्म बिना स्क्रिप्ट के बनी है। बॉलीवुड के महान राइटर का बेटा बिना स्क्रिप्ट के फिल्म करे, इससे बड़ी अनोखी बात क्या हो सकती है? आपको कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा अनोखी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स, स्लमडॉग एंटरटेनमेंट के बॉलीवुड अपडेट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और बने रहे हमारे साथ में बॉलीवुड अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।